रायबरेली जिले का चकबंदी विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सबका साथ सबका विकास जैसे नारे के साथ केंद्र तथा प्रदेश की सत्ता पर काबिज सरकार हो या केंद्र सरकार, पूरा फोकस किसान की आय दोगुनी करने पर है। बावजूद सरकार के नुमाइंदे ही सरकार का आदेश न मानकर सरकार के सपनों को ही पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, तो आम जनता का भगवान ही मालिक है। आपको बता दें कि ताजा मामला रायबरेली जनपद के चकबंदी विभाग से जुड़ा हुआ है। पीड़ित किसान चंद्रिका मौर्य ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि वह पिछले 3 सालों से अपनी खुद की ही जमीन से बेदखल है। एक गलत आदेश को सही साबित करने के चक्कर में चकबंदी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी डीडीसी, एसओसी, सीओ तथा एसीओ ने पार्टी के साथ चक आवंटन में गड़बड़ी किया, अपने पद की गरिमा का दुरुपयोग किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की शिकायत संदर्भ संख्या 151,581 19,326 में किए गए आदेश एवं हाईकोर्ट के नियम की धज्जियां उड़ाकर शासन को गुमराह किया। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। अपने कार्यालय के कर्मचारी को बचाने के चक्कर में लगातार 3 वर्षों से चंद्रिका प्रसाद मौर्य अपनी पैतृक जमीन पर फैसला पाने से वंचित है। रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। चंद्रिका प्रसाद मौर्य कहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ डीएम के यहाँ आए थे, फ्रॉड हुआ था हमारे साथ, उसी की शिकायत देने आए थे। किस चीज का फ्रॉड, कैसे हुआ था? चकबंदी विभाग में एक फर्जी स्टाम्प पेपर के जरिए जो है जपना प्रसाद द्वारा किया गया है, लेकिन उसको कोई अधिकारी देखने को तैयार नहीं है। अच्छा, वो अधिवक्ता लोग कहते हैं, उसके बाद भी उसको नहीं ध्यान देते हैं। अच्छा, तो आप इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत डीएम से सीएम तक मैंने किया कुछ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, अधिवक्ता लोग उसमें अपना डिमांड भी रखते हैं, लेकिन वही पैसे के उसमें जो है अधिकारी उसको ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, तो आज कहाँ आए हुए हैं? यहाँ डीएम के यहाँ आए थे, लेकिन डीएम महोदय है नहीं मौके पर, तो डीएम से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसकी जांच करवाता हूँ, अब देखिए जांच कराते हैं या नहीं कराते हैं, क्या फिर वो फर्जी उस पर जो है अमल दरामद करते हैं। अच्छा, किस तरीके का फर्जी? फर्जी इस तरह का है कि एक महाराष्ट्र में स्टाम्प पेपर खरीदा जाता है, रायबरेली में नोटरी होती है। अच्छा, उसमें जो लिखा पड़ी है 2 लोगों द्वारा लिखा गया है, उस स्टाम्प पेपर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको कोई अधिकारी देखने को तैयार नहीं है और दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कहना है यहाँ फ्रॉड हुआ है स्टाम्प पेपर महाराष्ट्र का, उसी दिन सेम यहाँ उसी स्टाम्प पे नोटरी होती है। नोटरी होती है, और जब मैंने नकल सवाल डाला तो उसमें लिख के आ गया कि महोदय नकल नहीं जारी हो सकती है। महोदय से हमारा यही कहना है कि जो है जब फ्रॉड को न्याय मिल सकता है तो हमको, हमारे पिता को क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? जो हम डीडीसी एसओसी के यहाँ आपत्ति डालते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता, ना फ्रॉड की जाँच कराते हैं, ना जो है हमारी मांग को पूरी करते हैं।